अगर आप भी चाहते हैं कि आप हाथ लगाए बगैर अपना मोबाइल चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो में देखें। दोस्तों, कभी आपके मोबाइल में कॉल आ जाता है, आपसे मोबाइल दूर होता है, तो आप चाहते हैं कि आप उस मोबाइल उस कॉल को रिसीव करना चाहता है या उस कॉल को जो है कट करना चाहता है या आवाज़ को म्यूट करना चाहता है, तो आप अपनी आवाज़ से जो है उस को आप ये सब काम कर सकते हैं बगैर हाथ लगाए। तो ये कभी आपने देखा होगा कि कभी आप लोग काम करते हैं तो आप के मोबाइल जो है आपके जेब में होता है, तो आप मोबाइल के साथ हाथ नहीं लगाता, तो आप अपने आवाज़ से जो है उसका जब कॉल आ जाता है उस मोबाइल में तो वो आप रिसीव कर सकते हैं, या कट करना चाहता है तो वो आप आवाज़ से कट कर सकते हैं, या कोई आप काम करते हैं तो आपके हाथ में कुछ लगा होता है, आपके हाथ गीला होता है, तो आप नहीं चाहते कि उसका काल आप उठा दे किसी का, या आप बंद करना चाहता है तो आप हाथ जो है मेला होता है उस मोबाइल के साथ आप नहीं लगाना चाहता, तो आप अपने आवाज़ से ये काम जो है कर सकते हैं। आप किसी को ब्लॉक भी कर सकते हैं अपने आवाज़ से, काल रिसीव भी कर सकते हैं, काल कट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, और उसके बाद ये सब काम अपने आवाज़ से जो है अपना मोबाइल आप चला सकते हैं। तो चलते हैं शुरू करें। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वीडियो के नीचे देखें आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक करें, साथ में बिल का आइकन आपको नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक करें। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपना प्ले स्टोर पर जाएँ। जैसे ही प्ले स्टोर पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन का नाम है VNO, VANI। इसको आप लिखोगे और उसके बाद आप सर्च कर लोगे तो ये इस तरह आपके सामने इसका आइकन आएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसका आइकन है, और यहाँ से मैंने इसको इंस्टॉल किया, और आप इसको इधर से इंस्टॉल कर लोगे। जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो इसका होम स्क्रीन पे इस तरह इसका आइकन शो हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया, ये आप देख सकते हैं इसका आइकन इस तरह आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ इस पे जो है इसको ओपन कर लें। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया और ये यहाँ से ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो यहाँ से कुछ आपसे पूछेगा, लेकिन आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद भी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक कर लिया तो यहाँ से ये सेट डिफॉल्ट एप्स और अलाउ जो है इसको हम डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे, डिफॉल्ट पे क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे, और यहाँ से ये जो है इसको यहाँ से आप ओपन करें। मैंने इसको ओपन कर दिया, और यहाँ से भी आप इसको ओपन करें, यहाँ से भी ओपन हो गया। उसके बाद आप यहाँ बैक जाए वापस, और यहाँ से अलाउ पे क्लिक करें। जैसे ही अलाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एनेबल असिस्टेबिलिटी जो है यहाँ बता रहा है, और इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे। इसका मैंने यहाँ से और यहाँ से ओके पे क्लिक करें। बिल्कुल सिंपल सी तरीका है। अभी आपको जो कॉल, जब आपके पास मोबाइल में कॉल आ जाता है तो उसको आप रिसीव करने के लिए क्या नाम रख रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे और वो नाम रखो जो आप उससे रिसीव करना चाहता है वो मोबाइल में। हेलो बता दूंगा तो मैं इस पे क्लिक करके और यहां से हेलो बताऊंगा। हेलो हेलो, और उसके बाद हेलो यहां पे लिख दिया, और यहां से सेव पे जो है क्लिक करें। मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, और यहां पे आप जो कॉल कट करना चाहता है तो यहां से आप अपना आवाज टैप करें, जो भी आपका मर्जी है वो आप यहां टैप करें। मैं यहां पे नो जो है इसको स्टेप कर रहा हूं, नो, तो यहां पे मैंने नो जो है उसको रख दिया, और यहां से जो आप स्पीकर पे आवाज करना चाहता है तो आप यहां से स्पीकर के लिए भी आवाज रख सकते हैं, जैसे यहां पे स्पीकर लिखा हुआ है। तो जैसे ही उसके बाद और भी कुछ बहुत सारे सेटिंग यहां पे है, आप इसको जो है
और भी कर सकते हैं, यहाँ पे म्यूट है और ब्लॉक, इस तरह जो किसी को ब्लॉक करना चाहता है तो आप यहाँ पे ब्लॉक बोलेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा। तो जैसे ही आपके पास कॉल आ जाएगा तो आप उसको रिसीव करना चाहता है तो आप हेलो बोलेगा तो यहाँ से आपका कॉल रिसीव हो जाएगा, बग़ैर हाथ लगाए रिसीव हो जाएगा। या आप नहीं उठाना चाहता तो आप नो बोलेगा तो आपके कॉल यहाँ वो जो है कट हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप कॉल रिसीव किया तो आप स्पीकर पे वो बात करना बात स्पीकर पे करना चाहता है तो आप स्पीकर बोलेंगे तो यहाँ से आप स्पीकर बोलेंगे तो आपका मोबाइल जो है स्पीकर पे हो जाएगा और आप आवाज़ उससे सुन सकते हैं। तो इस तरह बाकी सेटिंग भी बहुत सारे सेटिंग हैं, यहाँ से भी आप इसका और सेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारे सेटिंग हैं। तो इस तरह जो है आप बग़ैर हाथ लगाए अपना मोबाइल चला सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को नीचे शेयर का बटन होगा उस पर आप क्लिक करें, ये फेसबुक में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें।